नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एंट्रोक्विनल के टैबलेट के बारे में, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। आप सब लोग जानते हैं ये दवा सिर्फ दस्त को रोकने के लिए या पैचेस को रोकने के लिए काम में लाता है, लेकिन इसके कोई भी नई यूट्यूबर कोई भी नई इंटरनेट में सर्च किया हो, डॉक्टर इसको अन्य दूसरे प्रकार की रोगों में भी यूज लेते हैं। बहुत सारे रोग हैं ऐसे जिसको यूज लेता है। आज जानेंगे सब कुछ और लास्ट में जानेंगे क्यों इसको बच्चे को नहीं दिया जा सकता और दूसरे देशों में इतने अच्छे दवा होने के साथ साथ भी दूसरे कई देशों में इसको बैन क्यों किया गया है। आज सब कुछ जानेंगे, लास्ट तक बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत नया सीखेंगे आप। स्टार्ट करते हैं, चलिए वेलकम फ्रेंड्स। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरी टीवी यूट्यूब चैनल वन स्टेप लर्न ऑफ एडवांस मेडिकल नॉलेज। मेडिकल नॉलेज संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास के बेल आइकन को दबा दीजिए, जो कि नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे एंट्रोक्विनल टैबलेट के बारे में, जो कि ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। इसके अभी टाइम के अकॉर्डिंग प्राइस जो है 48 रुपया है, जो कि टाइम के साथ साथ बढ़ भी सकता है, अपडेट होता रहता है। इसके जेनेरिक जो नाम है वो जान लेते हैं, क्विनिडोक्लोर जो कि इसके जेनेरिक नाम है। इसके ब्रांड नेम बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि इसके जेनेरिक नाम क्विनिडोक्लोरी होगा। ये बहुत सारा चीज़ में आप लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ में आप लोग जानते हैं, ये दस्त को रोकने के लिए यूज होता है। लेकिन कोई भी नहीं बताता जो कुछ भी यूज है आपका अननोन यूज है वो मैं बताता हूँ। ये एक एंटी एमोबियल ड्रग्स के ग्रुप में आते हैं, जो सिस्ट टाइप के एमोबियल जो होता है वो ठीक करते हैं, लेकिन टिश्यू टाइप के एमोबियल जो इन्फेक्शन है उसको ठीक नहीं कर सकते। इनके साथ मेटोनिडाजोल या नॉर्फ्लोक्सासिन या ओफ्लोक्सासिन ऐसे ही कुछ मेडिसिन देना पड़ता है, और भी कुछ यूज है। ये एमोबियल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा से यूज लेते हैं डॉक्टर। और दूसरे यूज जो है, और रिंग वर्म में जब हो गया हो, स्किन में चकत्ते जैसे हो रहे हो, दांत जिसको हम लोग बोलते हैं उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज लिया जा सकता है। स्किन इन्फेक्शन में, हाँ दोस्तों, ये स्किन इन्फेक्शन में भी बहुत ज़्यादा यूज लेता है। एचमा में भी यूज लेता है स्किन में, जब इचिंग हो जाए, वेजाइनल इन्फेक्शन में, वर्म इन्फेक्शन में, जब इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया हो तब बहुत ज़्यादा यूज लेते हैं। डैंड्रफ को ठीक करने के लिए, यही सबसे मूल बात है, ये डैंड्रफ को भी ठीक करने के लिए यूज लिया जा सकता है। ये डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यूज लेते हैं। आप जान लेंगे इन मेडिसिन है किन किन पेशेंट को दिया नहीं जा सकता। जिनके सीवियर लीवर डिजीज हो गया हो, लीवर में कैंसर जैसे शिकायतें हो उनको नहीं दे सकता। किडनी प्रॉब्लम जिनका हो उनको दिया नहीं जा सकता। प्रेग्नेंट वोमेन और ब्रेस्टफीडिंग मदर में ये बिल्कुल भी मत देना, ये बहुत खराब प्रभाव दे सकता है। ये बच्चों में दिया नहीं जा सकता। जिनके टाइफाइड हो गया हो उनको भी नहीं दिया जा सकता। थायराइड के प्रॉब्लम में भी ये दिया नहीं जा सकता। आप जानेंगे इसको लेने के बाद साइड इफेक्ट क्या क्या है। सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात जानेंगे, इसको क्यों बैन किया गया है, क्यों बच्चों में दिया नहीं जा सकता। इसको साइड इफेक्ट हो सकता है नोजिया, वोमिटिंग, हार्ट वान, हार्ट के रेट फास्ट हो जाना, गैस बनना, बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट दिया सकता है। बदन के दर्द होना, वीकनेस लगना, बहुत सारा साइड इफेक्ट देखा गया है। जब आपको अनरिजनेबल साइड इफेक्ट मिले तो आप मेडिसिन को बंद कर दीजिए, तुरंत ही डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सके। आप जानेंगे इसकी डोज क्या हो सकता है। डोज तो रोगी का सीवियरिटी तथा एज देख के डॉक्टर निर्धारण करता है, फिर भी जो रिकमेंडेड डोज है वो आप 500 mg हर दिन 3 बार भी ले सकते हैं। इसमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही ले सकते हैं। 500 mg आप दिन में 3 बार, या डॉक्टर 2 बार भी प्रिस्क्राइब करता है। 250 mg का 2 बार भी देते हैं किसी किसी को। आप जानेंगे इसको क्यों बच्चों में नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, ये बच्चों को दिया नहीं जा सकता इसके कारण हैं, इसके न्यूरोपैथिक सिम्टम में कुछ लक्षण देखा जा सकता है। न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है, इनके बहुत दिन यूज करने के बाद, 15 दिन से ज़्यादा यूज करने के बाद इनको जो पेन होता है, इससे इन्फेक्टिव पेन होता है, वो पेन किलर से नहीं कम होता है। ये बहुत ही ख़राब सिम्टम देखा गया है। बच्चों में ब्लाइंडनेस जैसे प्रॉब्लम देखा गया है, यानी उसको अंध हो जाना,
आंखों में ना देख पाना, इसके खराब इंटरप्ट ऐसे ही होता है, इसीलिए बच्चों में इसको बैन किया गया है। और दूसरे का जापान जैसे ऐसे ही दूसरे देशों में जो न्यूरोपैथिक सिंड्रोम के जो प्रॉब्लम होता है, जो न्यूरो पेन होता है, उसको मेडिसिन से भी ठीक नहीं किया जा सकता, इसीलिए से भी ऐसे ही दूसरे कई देशों में बैन किया गया है। इसीलिए ही इतने अच्छा मेडिसिन इतने सारा काम में यूज ना करने वाले मेडिसिन भी ये बैन किया गया है। दोस्तों आप जब भी ये मेडिसिन ले, डॉक्टर के परामर्श से ही ले, डॉक्टर जितना दिन प्रेस्क्राइब करता है उतना दिन ही ले, उससे ज़्यादा ना ले, ये खराब प्रभाव दे सकते हैं। दोस्तों आज मैंने थोड़ी सी डाउट करने क्लियर करने की कोशिश की, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने